हाय फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मजे में होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल डीप टेक्नो। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से इजीली से एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं, और ये मेरी गारंटी है कि आपको 100% एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा अगर आप मेरी टिप्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन के बेल को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक ब्राउज़र ओपन कर देना है। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देता हूँ। मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे 3 वेबसाइट पे मैंने इस टिप से अप्रूवल लिया हुआ है। मैं सारी वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। एक softdeal.in, देन दूसरी मेरी न्यूज़ की वेबसाइट है, newspower.in, आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक एफिलिएट वेबसाइट है, एक softdeal.in। इस पर भी आप देख सकते हैं कि गूगल्स एडसेंस के ऐड लगे हुए हैं, और दूसरी मेरी न्यूज़ की वेबसाइट है, उसमें भी आप देख सकते हैं। मैं आपको ये लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि इस टिप से आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये गूगल के विज्ञापन, यहाँ पे गूगल के विज्ञापन लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने 2 वेबसाइट पे अप्रूवल आपको दिखाया। टोटल मेरी 3 वेबसाइट पे अप्रूवल मिला हुआ है, और मैं ब्लॉगिंग 1-2 महीने से नहीं, मैं पिछले 4 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं यूट्यूब के वीडियोस पे। कई वीडियोस में ऐसा बोला जाता है कि आपको 10 आर्टिकल्स लिखने होंगे, उसके बाद में आपको अप्रूवल मिलेगा एडसेंस का। कई वीडियोस में मेरे को ऐसा भी जानने को मिला कि आप कॉपीराइट कंटेंट नहीं डाल सकते। मैंने ये सारे क्या है कि ट्रिप्स मैंने यूज़ करके देख लिए, लेकिन मेरे को एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला। देन आफ्टर मैंने एक ट्रिक्स का यूज़ किया, तो ट्रिक्स में मैंने एडसेंस का ही एक प्रॉपर्टी है गूगल एडवर्ड, तो मैंने गूगल एडवर्ड को लॉगिन कर दिया, और उसमें मैंने काम तो किया मैंने, लेकिन उसके बाद में मेरे को पता चला कि गूगल का एडसेंस लेना है तो इससे हम आसानी से ले सकते हैं। तो किस तरह से, ऊपर की साइड पे बहुत सारे पेंशन है, तो यहाँ पे आपको टूल्स एंड सेटिंग में जाना है, देन उसके बाद में आपको कन्वर्जन में जाना है, जस्ट मोमेंट, और यहाँ पे ऊपर की साइड पे आपको दिखेगा न्यू कन्वर्जन एक्शन, ये आप देख रहे हैं ना, न्यू कन्वर्जन एक्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वेबसाइट, ऐप्स, फोन कॉल्स, इंपोर्ट। तो आपको यहाँ पे वेबसाइट सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि वेबसाइट का डोमेन नेम क्या है, तो यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट का URL डाल देना है। मैं यहाँ से मेरी वेबसाइट का URL डाल देता हूँ, देन उसके बाद में स्कैन पे क्लिक करना है।
मेरा नेट ज़रा स्लो है दोस्तों, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। देन आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड ए पेज लोड। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप आपकी वेबसाइट पे क्या चाहते हैं। आप वेबसाइट पे व्यू चाहते हैं, आप वेबसाइट पे परचेज चाहते हैं, यानी कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे आए और प्रोडक्ट को बाय कर ये चाहते हैं, या फिर आप आपकी वेबसाइट पे व्यूज चाहते हैं। मान लो आपकी कोई न्यूज़ की वेबसाइट है तो आप यही चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आए, आपकी वेबसाइट को वॉच करें, न्यूज़ पढ़े। मान लो अगर आपकी वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड है तो आप यही चाहोगे कि आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा से वही लोग आए जिसको परचेस में इंटरेस्टेड हो। तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन। यहाँ पे पेज व्यू ऑप्शन है अगर आपकी न्यूज़ पे वेबसाइट है, और यहाँ पे एड टू कार्ट ऑप्शन है, परचेस ऑप्शन है अगर आपकी एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड कोई वेबसाइट है। तो यहाँ से आप इजीली से ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली आपको क्या करना है। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी परचेस का ही है, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड है, जस्ट मोमेंट ये देखिए बाय नाउ, तो मैं यहाँ पे परचेस सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको यूआरएल देना है, एंटर यूआरएल। यहाँ पे आपकी जो भी वेबसाइट पे आप एडसेंस का अप्रूवल चाहते हैं, यहाँ पे आपको उस वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देना है, देन ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको मैन्युअली कन्वर्जन का ऑप्शन दिया जाता है, ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली, उस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका गोल डिसाइड करना है। यहाँ से आप परचेस सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से परचेस वैल्यू में भी आपको यहाँ पे डॉट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ कन्वर्जन नेम में परचेस सिलेक्ट करना है, ग्लोबल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन में भी परचेस सिलेक्ट करना है, देन काउंट में आपको एवरी सिलेक्ट करना है, देन डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पे हमें एक कोड मिल गया है, तो इस कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे या फिर आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देन ये कोड को हमें हमारी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में पेस्ट करना है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट, मैंने आपको जो पहले तरीका बताया कि आप यहाँ से डायरेक्ट अपीयरेंस में जाके, थीम फाइल एडिटर में जाके हेडर्स में आपके कोड को पेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट इंस्टॉल प्लगइन में जाके, आपने जो भी प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है उस प्लगइन में आप आपके गूगल एड्स का कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको ये कोड, तो दोस्तों अभी के लिए मैं ये कोड यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और ये कोड मैं हेडर सेक्शन में भी डाल सकता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट ही वेबसाइट के हेडर सेक्शन में जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर इससे भी आसान तरीका है कि मैं कोई प्लगइन यूज़ करूँ, जैसे कि मैंने ये प्लगइन यूज़ किया है वर्डप्रेस हेडर्स एंड फुटर्स। इसके सेटिंग में मैं क्लिक करूँगा, देन उसके बाद में मैं यहाँ पे ये कोड पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद में मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूँगा। देन दोस्तों मैं फिर से गूगल एड्स में जाना है और हम नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सी इवेंट स्निपेट, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें इवेंट का कोड दिया हुआ है तो इसको हमें कॉपी करना है और इसको भी हमें प्लगइन में इंस्टॉल कर देना है, यानी
वर्डप्रेस हेडर्स एंड फुटर्स में हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पे एक एंटर प्रेस करके प्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट ही हेडर सेक्शन में ये कोड पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपकी जो भी वेबसाइट है उसके अपीयरेंस में जाके थीम फाइल एडिटर में जाके इस कोड को आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमें दोस्तों यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है और उसके बाद में हमें दोस्तों यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको ये जो कन्वर्जन आपने डाला है गूगल एड्स में इसको आपको वेरीफाई करवाना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो हमारा कन्वर्जन है परचेज का वहाँ पे सामने की साइड पे ट्रबल शूट लिखा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पे नेविगेट योर साइट टू टेस्ट अदर कन्वर्जन एक्शन और क्लिक फिनिश टू एंड दिस सेशन। तो हमारा जो भी कन्वर्जन था वो हमारी वेबसाइट के साथ अटैच हो गया है। तो अब हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी कन्वर्जन एक्शन है वो हमारी वेबसाइट के साथ अटैच हो चुका है, यानी कि गूगल एड्स का जो भी कोड है वो हमारी वेबसाइट के साथ अटैच हो चुका है। अब हमें गूगल एड्स में ओनली एक कैंपेन बनाना रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको गूगल एड्स में कोई पैसा खर्च नहीं करना है, यानी आपको कोई पेमेंट करके एड्स नहीं चलानी है या फिर आपको कोई कैंपेन में पैसा नहीं डालना है। आपको एक कैंपेन ऐसा बनाना है जो स्क्यूडियल कैंपेन हो। स्क्यूडियल कैंपेन का मीनिंग है कि अगर आप आज ये कैंपेन बना रहे हो तो उसके 3 महीने के बाद का आप डेट डाल सकते हो या फिर 2 महीने के बाद का डेट डाल सकते हो। तो इस तरह से आपको स्क्यूडियल कैंपेन बनाना है। तो इसके लिए आपको गूगल एड्स में जाना होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर न्यू कैंपेन ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों मैं ये जो बता रहा हूँ इससे मैं डेफिनेटली आपको बोलता हूँ 100% श्योर कि आपने जो कोड डाला है और अभी आप जो कैंपेन क्रिएट करेंगे उसके बाद में आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 100% श्योर है मेरा कि आपको आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। और दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भर भर के आएगा गूगल एड्स की ओर से। भले ही आपने 3 महीने के बाद का कैंपेन रखा है लेकिन गूगल एड्स से अभी से ही आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा। यानी आपकी जो भी वेबसाइट है वो गूगल एड्स अभी से ही आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना शुरू कर देगा। भले आपने उसका पेमेंट नहीं किया है लेकिन आपने कैंपेन बनाया है और उसको रन किया है स्कड्यूल पे। तो हम यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करेंगे, अगर हमारा सेल्स का मोटिव है तो हम सेल्स पे क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ से ये जो 3 ऑप्शन है यहाँ पे हमें परचेस ही रखना है तो हम ऐड टू कार्ट को निकाल देंगे और यहाँ पे पेज व्यू को भी हम निकाल देंगे, देन उसके बाद में हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद में हम यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है सर्च का तो हम सर्च पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद में हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट विजिट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम हमारी वेबसाइट का URL पेस्ट कर देंगे
मैं यहाँ से URL कॉपी कर देता हूँ। देन उसके बाद में हम नीचे कैंपेन का नाम दे देंगे। यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, टेस्ट ऐड। मैं यहाँ पे टेस्ट ऐड करके कैंपेन का नाम दे देता हूँ और उसके बाद में हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे बीडिंग का ऑप्शन आता है तो हम यहाँ से कन्वर्जन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सेट टारगेट रिटर्न ऑन स्पेंड पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी अमाउंट दे सकते हैं, मानो कि हमारे कन्वर्जन पे कितने पैसे हम गूगल एड्स को देना चाहते हैं ये हम डिसाइड करेंगे। हम यहाँ से 5 रुपये रख देते हैं। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। हम डिस्प्ले नेटवर्क को निकाल देंगे और उसके बाद में हम नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें कंट्री का ऑप्शन मिलता है कि हमें हमारी एड्स कहाँ दिखानी है। मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे अगर आपको सभी लैंग्वेज चाहिए तो आप यहाँ से इंग्लिश को निकाल देंगे तो ऑल लैंग्वेज हो जाएगी। देन उसके बाद में हमें मोर सेटिंग पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यही हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमें हमारी वेबसाइट के लिए कैंपेन बनाना है लेकिन उस पर हमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है और इससे हमें एडसेंस का अप्रूवल भी लेना है और ट्रैफिक भी लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ से ये जो स्टार्ट एंड एंड डेट से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये अगस्त, आज 15 तारीख है, 15 अगस्त है, तो मैं यहाँ एड चलाने की डेट डाल देता हूँ। दिसंबर की डाल देता हूँ 27 और एंड डेट डाल देता हूँ 30, सॉरी और नवंबर 27 और नवंबर 30 एंड डेट डाल दिया है। यानी अभी तो मैं 8वां महीना चल रहा है, अगस्त का महीना चला है अभी और 12वें महीने में एड रन होगा। लेकिन आप 12वें महीने से उससे पहले भी इसकी डेट चेंज कर सकते हैं, यानी उसके बाद के 3 महीने आप दे सकते हैं, यानी नवंबर यानी दिसंबर जनवरी फरवरी की डेट आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एडसेंस अप्रूवल भी हो जाएगा और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसको हम हेडिंग में पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे बहुत सारे हेडिंग्स हैं तो मैं अभी के लिए वीडियो पोस्ट कर देता हूँ और हेडिंग सारे इंसर्ट कर देने के बाद में मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पे सारे हेडिंग्स डाल दिए हैं। ये यहाँ पे फाइनल URL है, यहाँ पे हमें हमारा URL डालना है। देन उसके बाद में जो हेडिंग है यहाँ पे हमें रिकमेंड हेडिंग दी जाती है, वहाँ से हम हेडिंग डाल सकते हैं। देन उसके बाद में हमें यहाँ डिस्क्रिप्शन मिलता है तो हम यहाँ से उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, यानी जो भी पोस्ट, अगर पोस्ट रिलेटेड आपको ऐड चलानी है तो आप पोस्ट रिलेटेड डाल सकते हैं या फिर आपके वेबसाइट या होम पेज पे आपको ट्रैफिक ड्राइव करना है तो वो भी यहाँ डाल सकते हैं। तो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन और हेडिंग डाल दिया है। देन उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे साइट लिंक का ऑप्शन मिलता है, अगर आप चाहें तो साइट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे हमें डेली बजट सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे 500 डाल देता हूँ। देन उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी हमारे जो भी एड्स है कैंपेन वो
और रिव्यू में चला जाएगा। देन जब भी हम उसको पब्लिश करेंगे तो वहाँ से ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएगा और गूगल एडसेंस ये दोनों ही गूगल की ही प्रॉपर्टी है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ बिलिंग बैलेंस एग्जिस्ट, यानी हम जब पेमेंट करेंगे तब ये कैंपेन रन होगा ऑफिशियली, बाकी तो ये अपनी ओर से ट्रैफिक वेबसाइट पे भेजता रहेगा। तो उसके बाद में हमें पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करना है और उसके बाद में हमें पब्लिश पे क्लिक करना है। तो दोस्तों इसके बाद में आप देखोगे कि आपका जो भी गूगल सर्च कंसोल है उस पर आप जब भी ओपन करोगे तो मोस्ट ऑफ ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे गूगल एड से ही आया होगा और गूगल एडसेंस भी प्रेफरेंस देता है कि अगर आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक है तो तुरंत ही आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। तो दोस्तों आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल एड्स का टैग कोड और गूगल एड्स का इवेंट्स कोड को आपको आपकी वेबसाइट में पेस्ट करना है और उसके बाद में एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। और मेरी ये गारंटी है दोस्तों कि आप एडसेंस का अप्रूवल देने के लिए जैसे ही अप्लाई करेंगे उसे वक्त आपको अप्रूवल मिल जाएगा या 2 से 3 दिन के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आपको मेरी टिप्स से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद में आप कैंपेन रन मत कीजिएगा गूगल एड्स का, क्योंकि गूगल की ये पॉलिसी है कि कोई भी वेबसाइट पे गूगल एड्स और गूगल एडसेंस एक साथ नहीं चल सकते। तो आप इस कोड को तो लगा सकते हैं लेकिन अब अगर आपने एडसेंस का कैंपेन चलाया तो वो पॉलिसी वायलेशन गिना जाएगा। आप कोड लगा के कैंपेन को स्क्यूडल में रख सकते हैं लेकिन अगर आपने कैंपेन में पैसा डाल के अपने वेबसाइट पे कैंपेन रन किया तो गूगल एड्स या गूगल एडसेंस उन दोनों की पॉलिसी के वो विपरीत माना जाता है, यानी कि पॉलिसी वायलेशन माना जाता है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी टिप से अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो आप ओनली एडसेंस पे ही काम कीजिएगा, आप उसके बाद में गूगल एड्स का कैंपेन रन मत कीजिएगा। क्योंकि इससे क्या है कि आपका एडसेंस अकाउंट बैन हो जाएगा फ्यूचर में, तो इसलिए आपको जब भी एडसेंस का अप्रूवल मिले तो आपको गूगल एड्स में ओनली स्केड्यूल चेंज करते रहना है ताकि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता रहे और आपके एडसेंस पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओनली आप उस कोड को आपकी वेबसाइट पे रखेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी लेकिन जब आप एड्स गूगल एड्स का कैंपेन रन करेंगे, अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है उसके बाद में, तो हो सकता है कि आपका गूगल एडसेंस सस्पेंड हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप ओनली गूगल एडसेंस का यूज़ करें आफ्टर अप्रूवल और गूगल एड्स का यूज़ ना करें। तो दोस्तों ये थी मेरी सीक्रेट टिप्स जो अभी तक कोई भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी, क्योंकि इस टिप से मैंने मेरी तीनों वेबसाइट पे एक ही हफ्ते में अप्रूवल लिया हुआ है, क्योंकि मैं 3 साल से ट्राई कर रहा था गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए लेकिन नहीं मिला है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे यानी कि रात रात भर मैं वीडियोस देखता था कि किस तरह से हम गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ने ये बताया कि आप 10 आर्टिकल लिखो उसके बाद में अप्लाई करो, बहुत सारे यूट्यूबर ने ये बताया कि आप 100% यूनिक आर्टिकल डालो, बहुत सारे यूट्यूबर ने ऐसा भी बताया
कि आप ये प्लगइन डालो इससे आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, ये प्लगइन डालो, ये थिंग डालो। मैंने बहुत सारा वो क्या है बोलते हैं कि बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ करके देख ली, लेकिन मेरे को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला। मैंने जब ये ट्रिक्स यूज़ किया तो उसी हफ्ते में मैंने एक दो नहीं तीन तीन वेबसाइट में मेरे को अप्रूवल मिल गई, और अभी मेरी लगभग 8 वेबसाइट और हैं जिस पे मैंने एडसेंस के अप्रूवल के लिए रखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं, और ये मेरी गारंटी है, मेरी पर्सनल गारंटी है कि आपको 100% आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमें एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है, तो मैं इस पर आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि इसमें क्या एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहे हैं, बराबर है। तो दोस्तों इस तरह से आप इजीली से गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर। थैंक यू।